सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस, आज मैं अपने बाइक यानी कि पैशन प्रो का पिछले दिन दिखाया था दोस्तों कि ब्रेक्सो किस तरीके से पहचानना है कि खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ है। मेरा ब्रेक्सो बिल्कुल दोस्तों आप देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्रेक्सो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब इसको और हम इधर टाइट नहीं कर सकते। देख सकते हैं ये लास्ट में बिल्कुल पहुंचा हुआ है। चलिए ब्रेक शू चेंज करता हूं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता हूं कि आखिरकार इसको चेंज किस तरह से करते हैं। उसके लिए आपको दो तरीके के रिंच चाहिए, एक आपको 18-19 और दूसरा दोस्तों 14-15 का आपको रिंग रिंच चाहिए, और आपको ज़्यादा बहुत बड़े टूल की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्मली बिल्कुल बाएं हाथ को हमने लॉक किया है, दाहिने हाथ को जिस साइड दोस्तों आपको नट दिखेगा, ठीक है, एक तरफ नट है दूसरे तरफ बोल्ट है, ठीक है, तो नट वाले को हम इस तरीके से खोलेंगे और बहुत आसान काम है दोस्तों। आपको सुनने में लग रहा होगा कि घर पे ब्रेक शू किस तरीके से चेंज हो, लेकिन बहुत आसान काम है। आप बस स्टेप वाइज देखते जाइए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने इस तरीके से बोल्ट हटाने के बाद में आपका ये पूरा का पूरा ये यूनिट है ये बाहर आ जाएगा, और आपको इस वाले यूनिट को भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देखते जाइए, आप खुद ब खुद इस लायक हो जाएंगे दोस्तों कि आप अपने घर में खुद से ब्रेक शू चेंज कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारे यूनिट निकल गया है, और आप देखेंगे यहां पे ब्रेक शू अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको दोस्तों तो ये देखेंगे, देख सकते हैं दोस्तों हमारे ये जो ब्रेक शू है किस तरीके से बिल्कुल घिस चुका है। इसके ऊपर जो ब्रेक लाइनिंग रहती है वो पूरा तरीके से घिस चुका है, अब ये मेटल पार्ट बच गया है। और देख सकते हैं यही दोस्तों ये फैलता है और हमारे इस ड्रम में क्या होता है कि इस तरीके से घर्षण पैदा करता है जिससे हमारी बाइक रुकती है। तो चलिए इसको चेंज करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से खींचेंगे दोस्तों, और ये सही तरीके से स्प्रिंग के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। ये स्प्रिंग आपको रखना है, क्योंकि स्प्रिंग नया नहीं मिलता है, तो इस स्प्रिंग को आपको इस तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। नया ब्रेक शू देख सकते हैं, ये नया ब्रेक शू है। तो अगला जो ब्रेक होता है दोस्तों वो क्या होता है, कम यूज होता है, इसलिए आगे वाला में मैं ये सस्ता वाला ब्रेक शू लगाने वाला हूँ, और पिछला वाला जबकि ज़्यादा घिसता है तो उसमें मैं जेन्युइन हीरो का पार्ट लगाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं और लगाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ही हमारा ब्रेक लाइनिंग है। ये घिसता है तो हमारा ब्रेक शू धीरे धीरे खत्म होता है। ये मेटल पार्ट पे आ गया मतलब पूरा ब्रेक शू हमारा खत्म हो जाता है। चलिए इसको फिट करके दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपको मैं चलिए MRP दिखा देता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हर दुकानदार अपने हिसाब से देता है। ये देख सकते हैं 240 रुपये MRP इसका है, लेकिन ये आपको अगर खरीदने जाएंगे दोस्तों तो 190-200 रुपये तक में आपको ये ब्रेक शू आसानी से मिल जाएगा, जबकि जेन्युइन पार्ट वाला थोड़ा सा महंगा है। तो चलिए इसको फिट करने का एक तरीका होता है दोस्तों, आपको दोनों ब्रेक शू को लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग को जो हमने निकाला था कुछ इस तरीके से फंसाना है। ये देख सकते हैं एक हमारा फंस चुका है, दूसरे वाले को भी ठीक उसी तरीके से, ये देख सकते हैं कि इसको भी इस तरीके से फंसाना है। और अब आप इसको सीधा अगर करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल हमारा जो ब्रेक शू है वो फिट होने के लिए तैयार है। आपको सीधा उल्टा किस तरीके से पहचानना है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोनों हाफ पार्ट मिला करके ये इधर गोल वाला रहेगा, दोनों एक साइड को आपको लगाना है, और इधर दोस्तों चौड़ा वाला है, इधर एक साइड आपको लगाना है। साथ साथ दोस्तों ब्रांडिंग को भी आप दोस्तों ध्यान दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। अब चलिए इसको फिट करने की बारी है। इसको फिट करने के लिए आपको देखना है, ये गोल वाला पार्ट है, इस गोल वाले पार्ट में फिट करना है, ये चौड़ा वाला पार्ट है, ये चौड़ा वाला पार्ट। अगर ब्रेक आप अगर लगाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों वहां पर हो रहा है, तो ये इस तरीके से होता है, और ये जब होता है तब ब्रेक हमारा फैलता है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं गोल वाले को गोल वाले पार्ट में आपको फिट करना है, और ये चौड़े वाले को इस तरीके से आपको जो है वो चौड़े वाले पार्ट में बिल्कुल आसानी से बहुत सहजता के साथ आपको इस तरीके से
फिट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, जब जब इसको खींचा जा रहा है, ब्रेक को खींचा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वर्क किस तरीके से करता है। ये देख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको दबाया जा रहा है, ये देख सकते हैं इसको क्या कर रहा है, फैला रहा है, और ये जब फैलेगा तो ये सीधे ड्रम को इस तरीके से लॉक करेगा, हमारा ब्रेक काम करता है। तो चलिए इसको फिर से अरेंज करते हैं सही जगह पे। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, उसमें फिट करने से पहले ये वाला पार्ट जो अभी यहां से हम लोगों ने निकाला था ना, यहीं तक दोस्तों हम टाइट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल लास्ट वाले पोजिशन में कर लेना है, और उसके बाद आप देखते हैं पूरा यूनिट। अब चलिए इसको हम फिट करते हैं हमारे व्हील में। तो कुछ इस तरीके से आपको सिंपली जो है वो इस तरीके से डाल देना है, वो अपनी जगह पे जा करके बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। ये देखिए ये बैठ चुका है, और ये वाला ब्रेक लीवर जो है उसको हम कुछ इस तरीके से फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है बहुत आसानी के साथ, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है कि हाँ मैं अपने बाइक की रिपेयरिंग कर सकता हूँ, और बिल्कुल घर में ही आप आसानी से कर सकते हैं, पैसा और समय दोनों को। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको लगाने के लिए बिल्कुल जो है वो नॉर्मली इस तरीके से बस बैठा देना है, वो अपने जगह पर जाके बिल्कुल फिट हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो लीवर है उसको कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। ये देख सकते हैं, ये जब आपका सेटिंग हो जाए दोस्तों, और एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पत्ती है, ये वाला पत्ती है दोस्तों, ये इसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसके मदद से हम इंडिकेट कर पाएं कि हमारा ब्रेक शू है या फिर ख़त्म हो गया है। तो ये सब होने के बाद में अब हमें चक्के को फिट करना है जिस तरीके से हमने इसको खोला था, उसके लिए आपको उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि वो बोल्ट को लगाना है, और बोल्ट को लगाने के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि चक्के को थोड़ा सा ऊपर करके उसी के बिल्कुल सीध में लाना है, और सीध में लाने के बाद में इस तरीके से आपको बोल्ट को अंदर की तरफ डालना है। आप देख सकते हैं आसानी से इस साइड में आ गया बोल्ट आपका। अब दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी के साथ इस बोल्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिंच की मदद से इसको कुछ इस तरीके से टाइट कर लेना है, और फुल टाइट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको फुल टाइट कर लेना है। जब हमारा चक्का फिट हो गया दोस्तों, फिर इस लीवर में देख सकते हैं कि ये वाला स्प्रिंग जो है ये खुल गया है, तो इस वाले स्प्रिंग को दोस्तों एक्चुअल में यहां पे होना चाहिए था, तो ये देख सकते हैं यहां पे हमारा स्प्रिंग आ गया है, और ब्रेक लीवर को उसके जगह में टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों लगभग हमारा जो काम है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं ज्यादा टाइट हो गया, हमारा व्हील जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसको ढीला करेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे दोस्तों। अभी भी देख सकते हैं हल्का सा साउंड भी आ रहा होगा आपको, और हमारा बाइक जो है फ्रीली नहीं मूव कर रहा है, हल्का सा और इसको तरीके से दोस्तों आपको घुमा घुमा कर चेक कर लेना है। बिल्कुल जब फ्रीली घूमने लगे, ये देख सकते हैं हमारा ब्रेक शू सही तरीके से काम करने लगा है, ये देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और घर पर आप दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल से टूल के साथ दोस्तों एक 19 नंबर और एक 14 नंबर के साथ दोस्तों आप अपने बाइक, मैं तो पैशन प्रो की कर रहा हूँ, आप इससे मिलता जुलता जितने भी बाइक से दोस्तों सभी की आसानी से आप सर्विसिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं बिल्कुल घर में ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं, नमस्कार।